दोस्तों, लो स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम आजकल एक कॉमन सा प्रॉब्लम है जो कि लगभग काफी सारा लोगों को आजकल देखने को मिल रहा है। और अगर आप घर बैठे सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम सिर्फ आपका है, सिर्फ ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, काफी सारा लोग आजकल इस प्रॉब्लम में भूग रहे हैं और दिन बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लो स्पर्म काउंट के लिए और आपका शरीर में ताकत को पैदा करने के लिए एक बिल्कुल यूनिक मेडिसिन और न्यू मेडिसिन जो कि मार्केट में अभी अवेलेबल है, काफी दिन से अवेलेबल हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूंगा, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इसका डोज क्या है, कैसे आपको लेना है। इसलिए आज के वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। सभी के पास रिक्वेस्ट है वीडियो का किसी भी पार्ट को स्किप मत करके लास्ट तक जरूर देख के जाना, और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, लो स्पर्म काउंट के लिए और आपका शरीर में ताकत को पैदा करने के लिए एक बिल्कुल यूनिक मेडिसिन जो कि मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, जिसका नेम है लिनिएटर प्लस सैचेट। ये सैचेट है, एक पाउडर फॉर्म में आता है। अगर हम इसका प्राइस की बात करें तो 110 रुपीज के आसपास प्राइस है, प्राइस कभी ज्यादा कम होता रहता है। तो आपको इजीली ऑफलाइन किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है इजीली, और ऑनलाइन जितने भी सारा मेडिकल ऐप है वहां से आपको इजीली मिल जाता है और आप इजीली परचेस भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसका कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर बिल्कुल यूनिक यूनिक कॉम्पोजिशन मौजूद है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। जैसे कि इसके अंदर कोएंजाइम Q10 मौजूद है, एस्टाक्सैंथिन मौजूद है, लाइकोपेन मौजूद है, उसके अलावा एमिनो एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, उसके अलावा इसके अंदर एल कार्निटिन, एल आर्जिनिन, सिट्रुलिन और भी काफी सारा कॉम्पोजिशन मौजूद है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ये जो प्रोडक्ट है कौन सा डिजीज पे काम करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के लिए, आपका प्रेगनेंसी को कॉन्सीव कराने के लिए आपका स्पर्म काउंट चाहिए 15 मिलियन पर एमएल ऑफ सीमेन से ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर एमएल ऑफ सीमेन से डिफिशियंसी हो गया, यानी कम हो गया, जैसे कि 10 मिलियन हो गया है, 5 मिलियन हो गया है, तो उस केसेस में आपका नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नहीं बनता है। तो उस केसेस में आप ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से क्या होगा, आपका स्पर्म काउंट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा आपका शरीर में ताकत पैदा होगा जिसकी वजह से आपका फर्टिलाइजेशन बनने के लिए काफी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और नॉर्मली फर्टिलाइजेशन बनने के लिए प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो अब मैं बताऊंगा इसका डोज के बारे में, आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। देखिए, इसे लेना बहुत ही ईजी है, आपको 24 घंटे में एक बार लेना है, रात में लेना है, सोने का टाइम खाना पीना करके लेना है। एक ग्लास में आपको 100 ml पानी लेना है, उसका अंदर इस सैचेट को मिक्स करना है, पूरा सैचेट को खोल के आपको मिक्स कर देना है, उसके बाद आपको पी लेना है साथों साथ। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्पर्म काउंट, जिस तरह का मैंने आपको बताया स्पर्म काउंट का डिफिशियंसी हो जाता है जिसकी वजह से आपका मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, वो सॉल्व हो सकता है, और आपका शरीर में एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड होगा, एक्स्ट्रा स्टेमिना भी प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट लेते समय आपको काफी सारा साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपका शरीर में पसीना आ सकता है, उसके अलावा आपका डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका वोमिटिंग टेंडेंसी आ सकता है, एलर्जीज प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर अगर आपका शरीर में अलग सा किसी भी तरह का डिजीज है, जैसे कि हार्ट में बीमारी है, किडनी में डिजीज है, लंग्स में, प्रोस्टेट में डिजीज है, या तो फिर बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो उस केसेस में आप एक फिजिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करके इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ बनाया आपको जस्ट नॉलेज देने के लिए बनाया जाता है, इस वीडियो को आपको जस्ट मैंने नॉलेज शेयर किया है। जस्ट किसी भी मेडिसिन लेने से पहले आपको एक फिजिशियन डॉक्टर से मिलकर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों, आई होप आज की इस वीडियो आपको सबसे ज्यादा बढ़िया पसंद आ गया होगा। अगर इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। लेकिन इस वीडियो को लेकर फिर भी अगर किसी भी तरह का आपको कॉन्फ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे कॉमेंट छोड़ सकते हैं, या तो फिर आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पर जा सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक भी आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।